रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर दी है। गुरुवार सुबह 8:30 बजे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के 5 मिनट बाद यूक्रेन में धमाके सुनाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की 12 जगहों को निशाना बनाया है। कीव में 2 जगह ब्लैकलिस्टेड मिसाइल से हमला किया गया। फोटोज में आप देखेंगे कि धमाके का क्या असर हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस बीच रूसी टैंकों के यूक्रेन में घुसने से लोगों की घबराहट और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार शेयर हो रहे वीडियो में खौफ का माहौल साफ दिख रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों से लोग यूक्रेन में अंदर की तरफ भाग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फोकस किया जाएगा। रूस के रवैये से लोगों में ये भावना भी बढ़ रही है कि अब यूक्रेन को नाटो से जुड़ ही जाना चाहिए। यूक्रेन के लोगों की नजरें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाषण पर गड़ी थी और उनकी धड़कन भी तेज हो रही थी। खौफ का ऐसा माहौल है कि लोग सो नहीं पा रहे। एक तरफ रूस के टैंक और भारी सैन्य साजो सामान धड़धड़ाते हुए यूक्रेन की सीमा में घुस रहे हैं और दूसरी तरफ अब तक धैर्य रखे यूक्रेन के लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। राजधानी कीव में मौजूद एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बताते हैं कि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। आम लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं, सड़कें खाली हैं और लोगों की नजरें टीवी चैनलों पर टिकी हैं। रूस की सीमा से सटे खाकिर्व और दूसरे शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग पश्चिम की तरफ पलायन कर रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्र देश लौट रहे हैं। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने बताया कि यह स्थिति गंभीर है और अब हम सब लौट रहे हैं। मंगलवार देर रात एक एयर इंडिया की एक फ्लाइट खार्किव से करीब 242 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची है। हालांकि अगर रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब ये भी है कि यूक्रेन बहुत लंबे समय तक एक स्वतंत्र और अलग राष्ट्र बना रहेगा। रूस डोनेट्स्क और लुहानस्क के इलाके में अपनी सैनिक भेज रहा है। रह रहकर यहां से झड़पों की रिपोर्ट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।